friends, I am Abhishek Mishra from Destination International Academy, and today we are going to start a very new series on viruses. So, इससे पहले कि हम viruses के बारे में कुछ पढ़ें, let us define what are viruses. As you can see, viruses are very small acellular infectious nucleoproteins which are capable of reproducing within the living cell. Viruses बहुत ही छोटे acellular न्यूक्लियो प्रोटीन अर्थात न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि जब किसी सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पर जाके रेप्लिकेट करते हैं और अपनी कॉपीज बनाते हैं. सो बायोलॉजी की ब्रांच जो कि वायरसेस के बारे में स्टडी करती है वी कॉल इट वायरोलॉजी. मार्टिनस विलियम बिचेरिंक इज कॉल्ड द फादर ऑफ वायरोलॉजी. चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे वायरसेस के बारे में हमने जाना. सबसे पहले 1892 में एक रशियन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम दमित्री इवानोवस्की था. इन्होंने तंबाकू की मोज़ेक डिजीज से जो इन्फेक्टेड पत्तियां थी उनको पीस के उसका सैप निकाला एंड देन उस सैप को इन्होंने फ्रेश लीव्स हेल्दी लीव्स के ऊपर लगाया. ही फाउंड दैट वो जो हेल्दी लीव्स थी वो भी कुछ दिन बाद इन्फेक्टेड हो गई. सो ही कंक्लूडेड कि देर आर सम इन्फेक्शियस एजेंट्स विच आर एक्चुअली कॉजिंग दिस टोबैको मोज़ेक डिजीज. सो दिस वे वायरस का डिस्कवरी हुआ. फ्रेंड्स, 1898 में मार्टिनस विलियम बिचेरिंक ने दोबारा इन्फेक्टेड टोबैको लीव्स को निकाला, उनके सैप को निकाला और उसको पोर्सिलिन फिल्टर से पास आउट कराया जिसमें कि बैक्टीरियाज पास नहीं हो सकते थे, ऐसे फिल्टर से पास कराया एंड देन उन्होंने इस सैप को दोबारा फ्रेश लीव से अप्लाई किया एंड ही फाउंड दैट व्हेन दिस सैप वाज अप्लाइड ऑन फ्रेश लीव्स इट वाज एबल टू इन्फेक्ट द फ्रेश लीव्स ऑल्सो. सो ही कॉल्ड दिस फ्लूड कंटेजियम वाइबम फ्लूडम. इट मीन्स कंटेजियस लिविंग फ्लूइड. सो फॉर दिस वर्क ही डूइंग दिस वर्क ही लेड अ फाउंडेशन. उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जिसके थ्रू हम वायरसेस के स्टडी को शुरू कर पाए एंड सो ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ वायरोलॉजी. ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी ड्यू टू हिज डिस्कवरी फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. लैंडस्टीनर एंड पॉपर 1909 में इन्होंने पता लगाया कि ह्यूमन में जो पोलियोमाइलिटिस जिसको हम साधारणतया पोलियो बोलते हैं, पोलियो की जो बीमारी है वो वायरस से होती है. फ्रेडरिक बॉर्डन एंड नॉर्मन पेरे ने 1937 में टोबैको मोज़ेक वायरस के क्रिस्टल्स का स्टडी किया एंड दे डिस्कवर्ड they were the first who told that viruses are made up of nucleoproteins, means they have nucleus, nucleic acid and proteins. W.M. Stanley जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं 1935 में इन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको मोज़ेक लीव को लिया और उसके सैप से वायरसेस को लेकर क्रिस्टलाइज किया. सो ही वॉज अ मैन हु फर्स्ट क्रिस्टलाइज who first found the viruses in form of crystal. For this discovery, इनको 1946 में Nobel Prize से सम्मान मिला. Later on, इन्होंने ये बताया कि जो viruses होते हैं ये acellular components होते हैं. और so इस video में हमने जाना कि जो virus का discovery है वो उसमें जितना भी हमने study किया वो ज़्यादा हमने टोबैको मोज़ेक वायरस पे ही स्टडी किया और जो सबसे पहला वायरस खोजा गया था वो एक प्लांट वायरस था जो कि हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस था और उसकी खोज का श्रेय जाता है दमित्री इवानोवस्की जो कि एक रशियन बॉटनिस्ट थे.